इस वेले दी सब तो वड्डी बुरी अते दुखदाई खबर सामने आ रही है। पंजाबी गायक अते अदाकार कांग्रेस पार्टी दे आगू सिद्धू मूसेवाला दा कतल कर दिता गया है। वो अपने पिंड मूसे तो जवार के रोड ते जा रहे सन, उत्थे कुछ लोगों के वलों उन्हां ते फायरिंग कर दी गई। वड्डे पद्धर ते वड्डी गिणती दे विच गोलियां चलाईयां गईयां, फायर किए गए, जिस दे विच काफ़ी गोलियां सिद्धू मूसेवाला नूं वी लगियां अते उस तों बाद उन्हां नूं हस्पताल दे विच पहुँचाया गया अते हस्पताल मृतक घोषित कर दिया गया है। बहुत वड्डी माड़ी बुरी अते दुखदाई खबर सामने आई है। मानसा दे एसएसपी दे वल्लों इस गल दी पुष्टि कर दी गई है कि हाँ, हस्पताल दे विच सिद्धू मूसेवाला नूं मृतक घोषित कर दिया गया है। हुण इस नूं लैके सिक्योरिटी नूं लैके भी कई तरह के सवाल उठन लग पए ने कि पंजाब दे विच इंज किवें कोई भी किसी नूं दिन दिहाड़े गोलियां मार के मार सकता है। इन्नी वड्डी परसनैलिटी सैलीब्रिटी सिद्धू मूसेवाला का कतल दिन दिहाड़े पंजाब दे विच गोलियां मार के कर दिता गया है। उस तो बाद मुख्यमंत्री जिहड़े कि गृहमंत्री ने भी भगवंत सिंह मान उन्होंने भी कई तरह के सवाल उठन लग पए ने क्योंकि एक दिन पहला ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी मान सरकार दे वल्लों वापस लई गई सी। इस लिस्ट नूं मीडिया दे विच भी मान सरकार दे वल्लों जारी कर दिता गया सी, जबकि वह सीक्रेट डॉक्यूमेंट हुंदा है, एक सीक्रेट गुप्त दस्तावेज हुंदा है, किसी नूं भी नहीं दसना हुंदा कि किसकी सिक्योरिटी वापस लई गई है। इस दे बावजूद मान सरकार दे वल्लों एक गुप्त दस्तावेज वाहवाही खट्टण लई मीडिया दे विच जारी किया जाता सी। अते हुण भगवंत मान की सरकार से कई तरह के सवाल उठन लग पए ने अते मुख्यमंत्री भगवंत मान से कतल का परचा दर्ज करन की मंग भी उठन लग पई है। कांग्रेसी बुलारे डॉक्टर राजकुमार वेरका ने यह मंग कर दी है। उन्हां दा बयान तुहानू सुना दिंदे आ। भई सिद्धू मूसेवाला के कातल की सीधी जिम्मेदारी ये भगवंत सिंह सरकार की है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार की है। जिस तरीके से दुश्मनबाजी से ये लोगों की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, पंजाब बरूद के ढेर पे है, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है, और लंबे समय से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कत्लों गर्द हो रही है, गैंगस्टर धन धना रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बदलाखोरी की राजनीति से सिक्योरिटी वापस ले रही है, तो मैं ये कहूंगा अगर ये कत्ल का पर्चा दर्ज हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर होना चाहिए। डॉक्टर राजकुमार वेरका तो इलावा कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खहरा दे वल्लों भी इस मुद्दे ते ट्वीट कर दिता गया है। वह भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से दे विच अते दुख दे विच डुबे दिखाई देंदे ने। अपने ट्वीट दे विच एक पासे जिथे उन्होंने बहुत गहरे दुख का प्रगटावा किया है, उधर दूजे पासे उन्होंने भी भगवंत मान सरकार नूं ही इस कतल दे लई जिम्मेवार दस्सिया है, पंजाब पुलिस दे लई जिम्मेवार दस्सिया है। कहिंदे ने कि जिहड़ी सिक्योरिटी वापस लई गई उसनों सोशल मीडिया से प्रचारिया गया, जिस दे नाल जिहड़े किलर हुंदे ने जिहड़े मारना चाहुंदे ने उन्हां दे लई ईजी टारगेट बन जांदा है। अते सिद्धू मूसेवाला दे मसले दे विच भी यही कुछ होया है। इत्थे भगवंत मान दी सरकार ते वड्डे इल्जाम सुखपाल सिंह खहरा दे वल्लों मिला दित्ते गए ने। कहिंदे ने मैं निंदा करदा हाँ इत्थे पंजाब पुलिस दी, क्योंकि उन्हां दा भी इस दे विच फेलियर है, अते गृह मंत्री होण दे नाते भगवंत मान भी पूरी तरह फेल हो चुके ने। हुण हस्पताल दे विच सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता भी पहुँच गए ने। इस खबर के सामने आने तो बाद पूरी दुनिया के वसदे करोड़ों उन्होंने प्रशंसक भी सोग की लहर के डुबते दिखाई देते हैं। पहला भी पंजाब दे विच बहुत सारे कतल हो चुके हैं, जदों तो खास तौर पर मान सरकार होने के आई है कतलों की रफ्तार लगातार बढ़ती दिखाई देती है। खबर तो यह भी आईया सन कि सिक्योरिटी वापस ले जाने तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के भी एक दो दिन ही मीटिंग भी करने वाले सन कि मैनू खतरा है मेरी सिक्योरिटी वापस नहीं ले जानी चाहिए है। पर उस मीटिंग तो पहला ही कातलों के वलों गोलियां मार के सिद्धू मूसेवाला का कतल कर दिया गया है। तो सारा इल्जाम हुण मान सरकार से लगन लग पिया है कि पहली गल तो यह उन्होंने सिक्योरिटी वापस ली जिस करके हमला होया, दूजी गल गुप्त दस्तावेजा सोशल मीडिया से प्रचारिया गया, अपनी सरकार की वाहवाही की गई कि वेख लो असी सुरक्षा वापस ले ली है, जबकि वह एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट हों दसना नहीं हों कि किसकी कितनी सिक्योरिटी वापस ली गई है। इस जो मार
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।